जाते हैं, आसान नहीं होता ये सब। और जब तक हम सब इस घर में हैं, अपने फर्ज को हमें निभाए पड़ेंगे। एक बात पूछूं बुआ जी, आप कैसे इस घर को बेचने की बात कर सकते हैं? हम जयश्री, हम तो फिर भी इस घर की बहू हैं, पर आप क्या बात है बुआ? आप यहाँ अंधेरे में दूर बैठे और आपने समझे आपकी भी नहीं, हम जानते हैं ये सब आसान नहीं है। बात पूछे बुआ, आप कैसे इस घर को बेचने की बात करते? हम और जयसिंह हम दोनों तो फिर भी इस घर की बहुएं, पर आप तो इस घर की बेटी और देखेंगे तो मैं के कहने से बहुत ज़्यादा मोह। बुआ जी, हमें जवाब दीजिए। ये बुआ जी, बस एक बार हमारे सर पर हाथ रखिए, बोल दीजिए कि आप चाहती हैं कि ये घर बेच जाए। बुआ जी, बस एक बार हमारे सर पर हाथ रख के ये कह दीजिए कि आप चाहती हैं कि ये घर बिक जाए। एक बार कह दीजिए कि आप चाहती हैं कि चतुर्वेदी निवास बेचकर उनका परिवार यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। साधन बहू, तुमने तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। हाँ, तुमने ठीक कहा, हम इस घर की बेटी हैं और इस घर की बेटी होने के नाते हम इस घर को रोज टूटते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते दो भाइयों को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए, लड़ते हुए। और सच कहे तो हमारे और भैया के अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये कुछ दिन हम अशांति और क्लेश भरी इस घर में नहीं बिताना चाहते। बस जो कुछ भी हो रहा है उसे ऐसे ही होने दो, अब हम एकांत चाहते हैं। तुम जाओ यहां से। हम जा रहे हैं बुआ जी, पर ये भी जानते हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, नहीं तो आप हमसे इस तरह नजर चुरा के बात नहीं करती। बस एक बार हमारे सर पर हाथ रख के आप कह दीजिए कि आप चाहती हैं कि ये घर बिक जाए। एक बार कह दीजिए बुआ जी कि आप चाहती हैं कि चतुर्वेदी निवास बेचकर उनका परिवार यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए।